SSP Global Jobs, the first job consultancy of Haryana. रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। आज भाजपा उम्मीदवार विधायक लक्ष्मण यादव ने फिदेरी, बुरानी, बुराना, फिदनी, बालिया खुर्द, रोजका, जीतपुरा गांव सहित रेवाड़ी शहर के अनेक मोहल्ले का दौरा किया और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीण और उनके समर्थक उपस्थित थे। पहले जहां भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव को हल्के में लिया जा रहा था, वहीं अब माहौल बदलने लगा है और जनता इस बात को स्वीकार करने लगी है। लक्ष्मण यादव को भी एक मौका मिलना चाहिए। लक्ष्मण यादव अपने समर्थकों की भावनाओं को समझते हुए भाजपा की अनेक सेवाओं का वर्णन किया। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनता को गुमराह करने को बताया। रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव और उनके पिता कप्तान अजय यादव के कार्यकाल में हुए घोटालों का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि चिरंजीव राव उनसे 5 साल का जवाब मांगते हैं, जबकि पहले उन्हें जनता को 50 साल का हिसाब देना चाहिए, फिर उनसे मांगे 5 साल का हिसाब। उनके साथ रामपुरा हाउस के खास समर्थन अजय पाटोदा और सतीश खोला भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं। रणधीर कापड़ीवास का चुप रहना भी लक्ष्मण यादव को कहीं न कहीं फायदा पहुंचा रहा है। रणधीर कापड़ीवास के समर्थकों का लक्ष्मण के साथ रहने का इशारा भी लक्ष्मण यादव की तरफ जाता है। पेश है रिपोर्ट। बहुत ही सम्मान के योग बालियर खुर्द गांव की मेरी सरदारी मेरे साथ में चुनावी सभा में आए, मेरे साथ भी साथी भाई सतीश खोला जी, भाई अजय पटोदा जी, भाई गुजरात नम्रदार जी, बलराम यादव जी, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भाई कार्तिक सरपंच जी, मेनपाल चौहान जी, हमारे पार्षद भाई रणदेव सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई बाबूलाल जी, भाई वीर सिंह छाबड़े जी, हमारे रिटायर्ड बैंक के मैनेजर भाई सुभाष चेतीवाल जी, भाई निहाल सिंह जी, डॉक्टर सतीश शर्मा जी, हमारे चेयरमैन भाई कृष्णपाल जी और सभी मेरे साथ में चल रहे धर्मवीर नंबरदार जी, भाई यशपाल खोड़ा जी, फिर भी कोई रह गया हो तो सारे जी से बात कर रहा था। बोला दादा बड़ा आदमी कौन होता है? एक थानेदार जा रहा था, इशारा कर दिया दादा ने, ये वाला बड़ा आदमी होता है। थोड़ा दिन में उस गांव में SDM आया तो वो थानेदार भी उसको स्वरूप मार रहा था। तो बोले दादा आप तो कह रहे थानेदार बड़ा, आपके ये आदमी आया ये बड़ा है। थोड़े दिन बाद में उस गांव में DC आ गया तो वो दोनों ही स्वरूप मार रहे थे, SDM भी थानेदार। तो बोले दादा बेकार रहते आपके जो DC आया ये बड़ा है। और फिर नेता जब बन के आता है, ढोल नगाड़ों से मंत्री जी बन के आता है, उसका स्वागत होता है, उसका अभिनंदन होता है, फिर DC भी उसकी खिड़की खोलता है कि नहीं? फिर वो खोलता दादा कहता है बोले दादा की कई आया मंत्री जो बड़ा है। और फिर आ जाता है चुनाव आ जाता है तो वही मंत्री दादा के पैरों के हाथ लगा के कहता है बोले दादा पिछली बार गलती होगी उसने दोबारा नहीं दोहराऊंगा, नहीं उसका काम करूंगा, इसलिए मुझे आशीर्वाद दो। फिर बोलता दादा से कहता है बोले दादा आप तो कह रहे थे ये बड़ा है, लेकिन अब मैं समझ गया बहुत देर से उल्लू बना लिया बड़ा आदमी कौन होता है। बोले कौन होता है? बोले ना थानेदार बड़ा, ना SDM बड़ा, ना DC बड़ा, ना मंत्री बड़ा, अगर सबसे बड़ा कोई है तो मेरा दादा है। मेरा आने वाली 5 तारीख को एक भाग्य लिखने का दिन है कि नहीं? 5 साल किसके हाथों में आप ये अपनी ताकत देना चाहते हो, ये निर्णय लेने की घड़ी है और निर्णय का वोटर है। इसीलिए कहते हैं ना निर्णय देश का वोटर भाग्य विधाता है। मोदी जी कहते हैं ना विनोद भाई सरपंच तो उधर है लेकिन मैं सरपंच आपने मानू। तो बोला मेरा सबसे बड़ा जो वोटर है वो मेरे देश का भाग्य लिखता है।
इसलिए मैं कह रहा हूँ गड़ी हुई है भेज देना, अगर 5 साल का भविष्य लिखना हो तो किसी न किसी उसमें आ ही जाते हैं लपेटे हैं, तो अपना विवेक खो के होता है। तो जब से आपने आदरणीय मोदी जी को जो अपनी ताकत दी तो विश्व में आपका डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा? बज रहा है ना, क्यों अजीत जी? बिल्कुल बज रहा है, क्योंकि मैंने तो प्रत्यक्ष में देखा है, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा था तो 40,000 भारतीय हमारे स्टूडेंट फंसे हुए थे, युद्ध के दौरान निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में युद्ध को भी रुकवाया और 40,000 आदमियों को सैन्य वापिस लेके आए, आए कि नहीं आए? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। उन्होंने कहा कि हम पहचानेंगे कैसे ये भारतीय है, तो उन्होंने कहा जिसके हाथ में तिरंगा झंडा हो समझ लेना ये भारतीय है, और तिरंगे झंडे की ताकत हमने बढ़ते हुए देखी, उसी झंडे को लेके भारत बंगाली बांग्लादेश का आदमी भी निकल के आए और पाकिस्तान का आदमी भी निकल के आए, आए कि नहीं? इसी तरह से म्यांमार में हमारे 5,000 लोग बचे थे, उसमें भी युद्ध रुकवा के 5,000 लोगों को निकाल के लाया, वापिस लेके आए, और मैं 72 घंटे में अभिनंदन वापिस आया कि नहीं आया? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की चूल्हे हिल रही थी, बोले जल्दी से छोड़ दो नहीं तो कभी भी आक्रमण हिसाब किताब हो सकता है, भारत हम कोशिश से लड़े, लेकिन उनका भी भरपूर आशीर्वाद 39,000 वोटों से कोशिश ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनका ऋण नहीं उतार सकता, लेकिन मैं किससे जरूर उतार सकता हूँ, ऋण नहीं उतरता इन चीजों का, सगे भाई को भी कोई आशीर्वाद नहीं देता, लेकिन जनता जनार्दन ने इतना आशीर्वाद दिया तो इसलिए भगवान मूर्ति मैं तो समझता हूँ, कहते ना राम नाम होता है, क्या होता है? होता नहीं, बोले बोले राम नाम ने जो फैसलों को दिया ठीक कर दिया, होता था ना, और भाई राम का सबसे सच्चा भगत था तो भाई या तो गदा वाला था जो इन्होंने दी, या लक्ष्मण था, लक्ष्मण यादव, लक्ष्मण यादव, लक्ष्मण यादव, या तो लक्ष्मण था या हनुमान था राम का असली भगत, तो भाई जनता का भगत हो सकता है तो लक्ष्मण ही हो सकता है, सरपंच है, ग्रोह समिति चेयरमैन है, जिला पार्षद, मेरा पिता तुम लोग सरपंच, नौजवान साथियों, माताओं का मैं ये कह रहा हूँ ना, ये चुनाव जो अब की बार है बड़ा अहम चुनाव है, क्योंकि हर बार 5 साल में चुनाव आते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 2009 में जब ऋषि मन हुआ तो दक्षिणी हरियाणा का टुकड़ा कर दिया था, भोसड़ी को रोहतक में जोड़ दिया, महेंद्रगढ़ को भिवानी में जोड़ दिया, रेवाड़ी को मेवाड़ में जोड़ दिया कि एक भी सीट उसकी एमपी की सीट ना हावे, और आप 26वें परिसीमन होना है तो हमने बड़ा सचेत रहना पड़ेगा, और मैं ये कहता हूं भाई जब एकजुटता होगी जब ये हमारी ताकत बढ़ेगी, क्योंकि नहीं तो एक ही डिस्ट्रिक्ट का सीएम बनता है पूरे हरियाणा में रोहतक का, और आप अकेले नंबर पड़ सकते हैं, क्योंकि धर्म और इंद्रजीत की जोड़ी इकट्ठी है तो इधर कोई भी खेल हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा दिया और कांग्रेस में लेके आई 25 लाख रुपए चिराई योजना की उन्होंने बात की, जबकि आपकी पार्टी का 5 लाख रुपए था और अभी भी 5 लाख की बात है, तो किस तरह इसको देखते हैं भाई? क्या देखिए सही है गलत है? उन्होंने तो झूठ बोलने का ठेका ले रखा है, 4 महीने पहले कह रहे थे कि हमारा आरक्षण मिटने नहीं देंगे, अब कह रहे हैं आरक्षण इसको हटाएंगे, और दूसरा आपने कहा कि भाई हमने ही चिरायु योजना शुरू करी थी हरियाणा में, इससे पहले किसी ने नहीं करी, आयुष्मान योजना भी आदरणीय प्रधानमंत्री ने शुरू करी थी जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करने की गारंटी लोगों को दी थी, और आज उसको हम 10 लाख करेंगे, और 70 की आयु से ऊपर वाले व्यक्ति को 15 लाख उसी आयुष्मान में जोड़ेंगे, तो हम तो बोलते हैं वो करेंगे, हमारा मैनिफेस्टो में ये है, और किसान की सारी 24 की 24 फसलें खरीदने में MSP में खरीदने की गारंटी दे रहे हैं। अभी एक तो पेंशन की बात की उन्होंने एजेंडे में कि 6,000 रुपये पेंशन, ओल्ड एज पेंशन इसमें जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी पहले 2,500 की, फिर दुष्यंत जी ने 5,000 की बात की, 5,000 बढ़ाई, वो 3 तक तो आई गई है, क्या 6,000 रुपये पेंशन जो ये करने वाले होते हैं तब इनका राज था, इन्होंने 10 साल में हुड्डा साहब ने 700 रुपये बढ़ाए थे, कितने बढ़ाए थे? 700 बढ़ाए थे, और हमने कितने बढ़ाए 10 साल में? 2,000 रुपये बढ़ाए, आज 3,000 रुपये पेंशन है, और हमने तो वो व्यवस्था भी कर दी अब TADA साथ ही हर साल 250 रुपये उसमें इजाफा होता चला जाएगा,
अंत में आप देखेंगे वो 6000 पेंशन हो जाएगी, लेकिन हमने तो देनी है इसलिए हमने व्यवस्था करी है। ये नारे हैं, इसलिए वो कहते ना सोने का मिर्ग दिखा के तो राम जी पीछे चले जाते, सीता हरण हो जाता है। तो वोटों का हरण करना चाहते हैं, सीता रूपी वोटों का ये हरण करना चाहते हैं जो इस तरह के लोग हैं। मैं वो तो नहीं कहूंगा कि रावण सीता हरण कर ले गया था, लेकिन ये इस तरह के लोग हैं, ये उसको हरण करना चाहते हैं, बहका के आंखों में मिर्च मार के वोट पाना चाहते हैं। वरना तो 70 साल देते व्यवस्था ठीक हो जाती, आज व्यवस्थाएं क्यों ठीक होने लगी। ओल्डेज पेंशन का इन्होंने जो कमाली की बात है कितना सही मानते हैं कि सही है इन्होंने जो या करेंगे या कर पाएंगे नहीं कौन ओल्ड एज कांग्रेस जो ओल्ड एज पेंशन बहाली की बात कर एजेंडे में नहीं कांग्रेस कुछ कर पाएगी। मैं बताया ना इनके तो झूठे नारे होते हैं, झूठे नारों पे आज लोगों में हम अपनी अपील कर रहे हैं, क्योंकि जनता जनार्दन किसको अव्वल करती है किसको डाउन करती है ये इनके हाथ की बात है। जो आपके सामने खड़ी है सरदारी, इनने निर्णय लेना है, हम तो अपना काम करने आए हैं, हम काम करेंगे, निर्णय इनके हाथ में। अब कोई खाम खा कह दे तो फिर रिजल्ट की क्या जरूरत है, तो आज ही मान लो अपने आप पे एमएलए। थैंक यू।